स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि सूर्य अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, तो सूर्य की राशि बदलने से आपके जीवन पर और दुनिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ जाने इससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर बड़ी उम्र में आपने पढ़ाई की शुरुआत की है, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं, आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें समस्या आ रही है, तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करिए। सुबह और शाम एक एक माला गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करिए और अपना आहार पूरी तरह से सात्विक रखिए, यानी मांस मदिरा आदि का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षा में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन लगा पाएंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 17 अगस्त 2023 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है? दिनांक 17 अगस्त 2023 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम को 5:35 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 7:58 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का मामला और किस तरह से ये आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा, ये समझते हैं पंडित जी से। देखिए, सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और सूर्य हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। ज्योतिष में हमारे लाइफ का जो सेंट्रल पॉइंट है वो सूर्य है, तो सूर्य का जरा भी मूवमेंट अगर जीवन में होगा तो ये आपको गहराई से प्रभावित करेगा। ये मामला क्या है, सूर्य देव अभी तक कर्क राशि में विद्यमान हैं, अब 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर सूर्य बुध के साथ हो जाएंगे और उनके ऊपर वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। अब सूर्य और शनि दोनों ही, सूर्य तो खैर क्रूर ग्रह हैं, शनि पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह वक्री होगा उसका प्रभाव ज्यादा निगेटिव होता है, तो सूर्य पर इस शनि की दृष्टि का प्रभाव ज्यादा नकारात्मक होगा। इससे यातायात दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी, बस ट्रेन एयरवेज इसमें दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। सूर्य सत्ता और राजनीति का स्वामी है, इसीलिए राजनीतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं। दुनिया भर में दोबारा से एक महीने के लिए युद्ध और तनाव जैसी स्थिति पुनः बन जाएगी। बीच में कुछ शांति हो गई थी, लेकिन अब क्या है, 17 अगस्त से लेके लगभग 15-16 सितंबर का जो समय है, इस समय में दुनिया में बेवजह के झगड़े, झंझट, राजनीतिक परिवर्तन, विवाद, ये सब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने शुरू होंगे।
इसीलिए ये समय थोड़ा सेंसिटिव होगा और एक आम आदमी के लिए हम इस समय को बहुत बेहतर नहीं कहेंगे। तो इस समय में बेहद अपना ध्यान रखिएगा और सतर्क रहेगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं राशिफल की, जानते हैं आने वाला दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि, पैसे रुपए का मामला बढ़िया दिख रहा है, आर्थिक मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और किसी अतिथि का आगमन भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता, इससे बचिए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। जीवन साथी का सहयोग हालांकि आपके साथ बना रहेगा। चने की दाल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब बात करते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पे कैसा असर हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य केवल भारत में असर डालेगा, पाकिस्तान में नहीं डालेगा, चाइना में नहीं डालेगा। सूर्य पूरी दुनिया के लिए एक ही है, इसलिए सूर्य का ये परिवर्तन देश और दुनिया पर प्रभाव डालेगा। सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश वैसे बुरा नहीं होता, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि की वजह से ये देश में, प्रदेश में आपदाएं बढ़ा सकता है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। लोगों के बीच में बेवजह के विवाद होंगे और लोगों के वैमनस्य में, झगड़ों में, ईर्ष्या में वृद्धि होगी। महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और महंगाई से लोगों को परेशानी होगी। इस समय राजनैतिक विवाद काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, खासतौर से भारत में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश, जो केंद्रीय भारत है MP, और जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र का इलाका है, इन दोनों जगहों पर राजनैतिक रूप से झंझट ज्यादा हो सकते हैं। भारत में किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, मुख्यमंत्री हट करके कोई नए मुख्यमंत्री आ जाए या कोई नया बड़ा पद परिवर्तन हो, ऐसा हो सकता है। इस समय न्यायालय के द्वारा कोई बड़ा निर्णय भी आ सकता है, कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे सकती है इस समय जिसका प्रभाव आम जनता पर और आम जनता के जीवन पर पड़ सकता है। तो सूर्य का सिंह राशि में परिवर्तित होने से सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भी काफी बदलाव देखे जाएंगे। अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा।
कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं और परिवार में भी इस समय आपके शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन का नुकसान, धन की हानि हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट की चपेट में आ सकते हैं। चने की दाल का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है आपका सवाल, यानी कि अगर दर्शक हमें सवाल भेजते हैं तो पंडित जी उन सवालों का जवाब इस सेगमेंट में देते हैं। अभी आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी समस्या का समाधान के लिए आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पे आप लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अभी वो किसका सवाल ले रहे हैं, बताइए पंडित जी। जी आज का पहला प्रश्न हमें विनय कुमार सिंह जी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। अपनी पुत्री आकांक्षा वी सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। आकांक्षा की जन्म तारीख है 24 सितंबर 2003, 10:45 रात को, डोंबिवली, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मेरी बेटी बीएससी कर रही है जूलॉजी से, क्या आगे डॉक्टर बन पाएगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी बेटी अगर बीएससी के बाद भी डॉक्टर बनना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है और उसके लिए उसकी बेहतर संभावनाएं साल 2025 से दिखाई दे रही हैं। दूसरी संभावना ये है कि आपकी बेटी एमएससी करे, पीएचडी करे, रिसर्च के क्षेत्र में जाए या टीचिंग फील्ड में जाए, ऐसी संभावना भी इसके लिए बन सकती है। क्या उपाय करें कि इनका करियर और जीवन बेहतर हो, स्ट्रगल कम करना पड़े। एक अपनी बेटी को पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा इनको कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको, आगे हम एक विशेष राशि के बारे में भी बात करेंगे और हाँ, आपके लिए आज का महा उपाय भी है, लेकिन फिलहाल जानते हैं पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है, बताइए पंडित जी। जी अगला प्रश्न पुष्पा पांडे ने हमें लिखा है, ये मुंबई से लिखती हैं। अपनी पुत्री श्रुति पांडे के बारे में जानना चाहती हैं।
श्रुति की जन्म तारीख है 8 जुलाई 1998, 12:15 दोपहर में, मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि अभी अभी मेरी बेटी ने लॉ पास किया है, तो आगे वो कॉरपोरेट सेक्टर में जाए, कॉरपोरेट सेक्टर में लॉ का करियर बनाए, या वो न्यायिक सेवा में जाए, जुडिशियरी में जाए, क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतरदशा मंगल की फिलहाल चल रही है। शुरुआत में कुछ समय तक कॉरपोरेट सेक्टर में या इंडिपेंडेंट लिटिगेशन में काम कर सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये न्यायिक सेवा में जाएं। अगर ये जुडिशियरी में जाने का प्रयास करती हैं तो जुडिशियरी में इनका सिलेक्शन जरूर होगा। इस कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वाहन चलाने के मामले में, डाइजेशन और आँखों के मामले में हमेशा सावधानी बनाए रखनी होगी। अपने पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य देव की राशि परिवर्तन से अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पहले 6 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जी, अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए, इस एक महीने में आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में आपको असफलता मिल सकती है, इसलिए अपने प्रयास, अपने एफर्ट बढ़ाइए। वृषभ राशि, इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपका मन भी परेशान होगा, सेहत भी गड़बड़ होगी, चिंताएं और तनाव भी आपके बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण काम अभी आपके बीच में रुक सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बेहतर समय का इंतजार करिए। निश्चित रूप से आने वाला समय ठीक है, लेकिन अभी एक महीने तक सावधानी बनाए रखिएगा। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष और करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, इस समय आपको प्राप्त होगा, तो आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है। अगले एक महीने में आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। कर्क राशि, फैमिली मैटर्स में, पारिवारिक मामलों में अलर्ट हो जाइए, पारिवारिक मामलों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मानसिक तनाव का और अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर आपको दिक्कतें, समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का पहला इंपैक्ट आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है निगेटिवली। आपको अपनी आंखों और हड्डियों की समस्या का ध्यान रखना है। पारिवारिक समस्या से भी आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए फैमिली लाइफ का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। कन्या राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखों में दिक्कत आ सकती है, आपकी हड्डियों में दिक्कत आ सकती है, शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है, फटीक महसूस होगा, थकान महसूस होगी, ऐसा इस एक महीने में होगा। करियर और धन के मामले में काम मत टालिएगा, किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि लापरवाही के परिणाम और प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन का राशिफल कैसा है। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी है, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। महत्वपूर्ण काम इस समय टालिएगा नहीं, वरना मुश्किल में पड़ेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी लाभकारी यात्रा पर आप जा सकते हैं। काम के मामले में इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं सूर्यदेव की राशि परिवर्तन का बाकी बची हुई 6 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। जी, अगर हम तुला राशि की बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन तुला वालों के लिए अच्छा है। करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और राहत की बात यह है कि यह बड़ा परिवर्तन लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। पुरानी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी अगर आप प्रयास करेंगे इस समय तो। वृश्चिक राशि, करियर में रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जितने भी महत्वपूर्ण काम फंसे हुए हैं थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। धन और कर्ज की बाधाएं आपकी दूर होती जाएंगी, यानी पैसे रुपए को लेके जो प्रेशर था, जो मुश्किल थी, वो मुश्किल आपकी दूर होती चली जाएगी। धनु राशि, जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखिए। ऑफिस में विवादों से बचिए, ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो उसका ध्यान रखिए। बेवजह के झगड़े महीने भर में आपको परेशान कर सकते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा इस समय। चोट ना लग जाए, सेहत में दिक्कत ना हो जाए, आंखों में, पेट में प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। करियर में कोई भी बड़ा निर्णय अभी 1 महीने में मत लीजिएगा। मजबूरी है तो बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः कोई बड़ा निर्णय इस समय लेना बहुत सही नहीं होगा। आप फंस जाएंगे, निर्णय गलत होगा। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर और आपके मन पर पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य और अपने मन का बहुत ध्यान रखें। रिश्ते जो आपके हैं वो इस समय आपको परेशान करेंगे, नजदीकी रिश्ते आपके दूर होंगे, इसीलिए रिश्तों की समस्या से इस समय बचने का प्रयास करिएगा। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य और तनाव की स्थिति में आपके सुधार होगा।
करियर में आपके लाभकारी परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अगर आप कोई बदलाव के बारे में सोचते हैं तो भी ठीक है, नहीं सोचते हैं तो जहां पर काम करते हैं वहां पर इंटरनल आंतरिक रूप से कोई बदलाव हो सकता है। और अगर ऐसा कोई बदलाव होता है तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है। मकर राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए, चिंता मत करिए, थोड़ा समय दीजिए, समय बेहतर होगा। इस समय महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, इसीलिए अभी शांति और धैर्य बनाए रखना आपके लिए अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चने की दाल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय बनेंगे आपके, करियर के मामले में कोई ना कोई लाभ जरूर होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि काम का प्रेशर बहुत है, काम की अधिकता बहुत है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये तो हुई 17 अगस्त के राशिफल की बात। अब वक्त हो गया है दो और दर्शकों का सवाल लेने का। पहले जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी, बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न आकाश गुप्ता जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। 31 मार्च 1998 का जन्म है, 7:40 प्रातः कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, विशेष रूप से बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उसमें नौकरी मिलेगी, सफलता मिलने के योग कब हैं। आकाश, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा आपकी राहु की और अंतर दशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपको वर्ष 2025 में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बैंक के क्षेत्र में, किसी फाइनेंस के सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना जरूर बनती है। इस कुंडली में जो एफर्ट होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए ना, वो थोड़ा कम है। अपने प्रयास और अपने मेहनत की मात्रा को अगर आप बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। क्या करना चाहिए, एक माणिक्य बनवा के पहनिए, रूबी, लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब हमारे चौथे यानी आखिरी दर्शक का सवाल हम लेंगे, समझते हैं कि उनकी समस्या क्या है और पंडित जी उसके लिए क्या समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी और आज का अंतिम प्रश्न सुनील कुमार जी ने हमें कोरबा मध्य प्रदेश से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 31 जनवरी 1982 6 बजे प्रातः कोरबा मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं सर्जन हूँ, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, बार बार जगह बदलनी पड़ती है, लेकिन आज तक मैं स्टेबल नहीं हो पाया, मैं स्थिर नहीं हो पाया। क्या मैं कभी जीवन में स्थिर होऊंगा? मेरे जीवन में भटकाव कब तक चलेगा? सुनील जी, कुंडली मकर लग्न की है और राशि बनती है मीन। शुक्र दशम भाव और पंचम भाव का स्वामी होके अस्त हो गया है और कहीं ना कहीं कुंडली में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मरकरी यानी बुध, उसकी भी पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए अगस्त 2024 तक का। अगस्त 2024 के बाद जो आपके जीवन में दशा आएगी, उस दशा में आपके स्टेब्लिश हो जाने की संभावना बनती है। और ख़ास तौर से 2025 से जो समय शुरू होगा, उसमें आप स्थिरता के साथ एक बेहतर जीवन बिता पाएंगे, ये संभावना ज़रूर बनती है। फिलहाल आप एक ओपल पहन लें, अब सर्जन हैं तो उंगली में तो पहन नहीं सकेंगे, एक ओपल का लॉकेट बनवा लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में, चांदी या सोने की चेन में डाल लें। शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम, एक नियम बना लें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। पंडित जी, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तो क्या इसके बाद हम कोई शुभ काम कर पाएंगे? देखिए, सूर्य देव जब कर्क में जा रहते हैं, कर्क संक्रांति होती है, लगभग वो समय श्रावण महीने का होता है, सावन का महीना होता है। अब उसमें बीच में आ गया अधिक मास, अधिक मास में तो वैसे भी शुभ और मंगल कार्य नहीं करते। अधिक मास खत्म हो रहा है 16 अगस्त को और 17 अगस्त से फिर प्लेन सावन, शुद्ध सावन शुरू हो जाएगा अगले 15 दिन के लिए। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में विवाह शादी, गृह निर्माण, कोई नया और मंगल कार्य ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत सारे लोगों की शादियां इस समय तय हो जाएंगी, लेकिन शादी होगी नहीं। अभी शादी करने का जो उपयुक्त समय होगा वो होगा 23 नवंबर के बाद या 23 नवंबर को। 23 नवंबर से जब श्री हरि अपनी योग निद्रा से उठ जाएंगे, उसके बाद आप शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 17 अगस्त को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 17 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में परिवर्तन होगा, धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। विदेश जा सकते हैं या कोई दूर स्थान जा सकते हैं, बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले वर्ष में। क्या करेंगे, पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि अगर सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं हो तो क्या उपाय करना चाहिए?
हमने आपको बताया कि किन लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है और किन के लिए नकारात्मक है, निगेटिव है। अब मान लिया सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि 8 राशियों के लिए अनुकूल नहीं है, केवल 4 राशियों के लिए अनुकूल है। तो अगर आपके लिए ये परिवर्तन शुभ नहीं है तो क्या उपाय करें ताकि इसके अशुभ प्रभाव से बचें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को कम से कम अगले 1 महीने तक जल जरूर चढ़ाइए। सुबह के समय सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। हर रविवार किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। पंडित जी, 17 अगस्त बृहस्पतिवार का शुभ पहर भी बताया गया। 17 अगस्त 2023 शुभ पहर की, दिनांक 17 अगस्त 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है 7:30 से 9:00 में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा, इससे आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, दिनांक 17 अगस्त बृहस्पतिवार 7:30 से 9:00 में। और अब पहुंच गए हैं हम उस सेगमेंट में जिसका आपको इंतजार रहता है, यानी कि आपकी राशि। इस राशि का चयन पंडित जी करते हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि आज वो किस राशि के बारे में क्या खास बातें बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं, और आज जिस गुड लक राशि की बात कर रहे हैं वो है कुंभ, यानी एक्वेरियस। इस समय आपका स्वास्थ्य, कुंभ वालों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। काम का दबाव भी बढ़ा हुआ है और करियर में बाधा भी बहुत है, यानी चारों तरफ से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घबराइए, थोड़ा सा इंतजार करिए, ये भी दिन नहीं रहेंगे, ये नकारात्मक समय भी बीतेगा। इस समय शनिदेव की अधिक से अधिक पूजा करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। कम से कम सुबह शाम इसको पढ़िए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त है आज का महा उपाय जानने का, जिससे आपका जीवन और सरल हो सकता है। जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय, बताइए पंडित जी। जी, अगर आपके संबंध आपके अपने भाई अपनी बहन के साथ अच्छे ना हो, रिश्तों में समस्या आ रही हो, तमाम प्रयास करने के बावजूद चीजें बिगड़ रही हो, कैसे अपने भाई बहन के साथ अपने रिश्तों को बढ़िया करें? रोज सुबह शाम पूजा स्थान पे बैठ के या सूर्य देव के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। अपने घर के पूजा स्थान पर लाल कपड़ा एक छोटा सा ले लें और साबुत सुपारी, मान लिया आपके 3 भाई बहन हैं तो 3 साबुत सुपारी, केवल 1 बहन है 1 साबुत सुपारी, केवल 1 भाई है तो 1 साबुत सुपारी, यानी जितने भाई बहन हैं उतनी संख्या में सुपारी उस लाल कपड़े में बांध करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। साल भर के अंदर स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, स्थितियों की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। जान हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे आनी अतिथि को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT, यानी गुड न्यूज़ टुडे।